व कंपस लाइक दिस एंड वी विल मेज़र ए बी लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर तो इससे हम कैसे मेजर करेंगे इसके एक पॉइंट पर हम टिप रखेंगे इसकी लाइक दिस एंड सेकेंड पॉइंट पर पेंसिल की टिप रखेंगे क्लियर इट इज ऑन दिस राइट नाउ वी विल मेजर एक्स वाई लाइन सेगमेंट तो एक्स वाई तो एक्स वाई क्या इसके सेम है इसके इक्वल है नो सो विच लाइन सेगमेंट इज लॉन्गर इन ईच पेयर तो दिस इज लॉन्गर इट इज क्लियर इसके लिए मैंने कंपास को ज्यादा ओपन किया क्लियर सो एक्स वाई लाइन सेगमेंट इज लॉन्गर राइट सो वी विल डू दिस क्वेश्चन इन बुक एक्स वाई लाइन सेगमेंट इज लॉन्गर तो ये लॉन्गर है राइट इफ यू वॉन्ट टू डू दीज क्वेश्चन इन योर नोट बुक दैन यू कैन डू सेकेंड में एक्स वाई और पी क्यू तो ये हमें क्लियर भी है पी क्यू है इतना यस yes? और अगर हम इसको सेम मेज़र करें तो इट इज़ नॉट इक्वल सो वी हैव टू ओपन द कैम्पस मोर दैन इन केस ऑफ पी क्यू पी क्यू से ज्यादा ओपन करनी पड़ रही है सो विच इज ग्रेटर एक्स वाई एक्स वाई इज ग्रेटर इज ए लॉन्गर राइट एंड यू विल डू सी एंड डी पार्ट योर सेल्फ क्लियर नेक्स्ट इज सम नंबर टेंथ विच ऑफ़ दी पेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट तो कॉन्ग्रुएट कौन से होते हैं हैविंग सेम लेंथ तो हम इसके लेंथ चेक करेंगे विद हेल्प ऑफ डिवाइडर तो डिवाइडर से ही चेक करते हैं हम तो ये जितनी है हम चेक करेंगे क्या उतनी ही सी डी है यस सो ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट आर कॉन्ग्रुएंट तो ये कांग्रुएंट है congruent right and xy b part xy it's not equal to this so xy and pq pq are not congruent not congruent right clear students सो देर इज़ नो नीड टू नोट डाउन दी सम्स इन योर नोट बुक्स यू कैन डू आंसर्स ऑफ दी सम्स इन योर बुक्स ऑल्सो तो आप इनके आंसर so, बुक में ही मैंशन कर सकते हो कम्प्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर बुक्स एंड नोट बुक्स तो जो समने बुक में नोट डाउन करने हैं वो बुक में करोगे और नोटबुक में सॉल्व करोगे जो आपको नोटबुक के लिए बताए गए हैं क्लियर